हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त जितेंद्र यादव। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं अल्सर के बारे में। अल्सर होता है आपके पेट के अंदरूनी हिस्से में, आपके पेट के अंदरूनी हिस्से के अंदर जो छाले हो जाते हैं उनको हम अल्सर बोलते हैं। अल्सर जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक गैस्ट्रिक अल्सर होता है, एक ड्यूडिनियल अल्सर होता है। तो इसी के हम आज आपको बताऊँगा कि आप एक्यूप्रेशर की सहायता से या मसाज की सहायता से आप अपने अल्सर को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं भाई। अल्सर का हम पहला पॉइंट कहाँ देखेंगे? हमारा पहला पॉइंट जो अल्सर का होता है वो होता है इस एरिया पे, जो ये उंगली, जो आपकी तर्जनी जो उंगली होती है, इसकी आप ऐसे पकड़ेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल लास्ट तक आ जाएंगे जहाँ पे इसकी हड्डी ख़त्म होती है और इस गुट्ठे की अंगूठे की हड्डी स्टार्ट होती है उसके एक पॉइंट पीछे, यहाँ ये बिल्कुल हड्डी के ऊपर है। इस एरिया को आप, इस वाले एरिया को आपको दबाना कैसे, आप अब यहाँ पे अंगूठा रखेंगे और इसको पुश करेंगे, रिलैक्स करेंगे, पुश करेंगे, रिलैक्स करेंगे, पुश करेंगे। इसको आपको 15 से 20 सेकंड तक लगातार दबाते रहना है। इससे आपका अल्सर ठीक होने लग जाता है। जो हमारा दूसरा जो पॉइंट होता है, जो अल्सर का दूसरा जो पॉइंट है वो हमारा होता है इस एरिया में, ये मैंने पहले बनाए हुए हैं, आप देख रहे हैं इस वाले पोर्शन में हमारे अल्सर के पॉइंट होते हैं। और इसको आपको करना कैसे है, अब 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर इस साइड भी 1 2 3 4, 1 2 3 4। आप इसको भी 15 से 20 सेकंड के लिए दबाएंगे। अब यही मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आप, ये तो हो गया आपका एक्यूप्रेशर की सहायता से, और मैं अब जो बताने वाला हूँ आपको मसाज की सहायता से। मसाज के लिए हम क्या करेंगे, हल्का तेल लगाएंगे, हल्का सा तेल लेंगे, उसके बाद अपने हथेली के ऊपर रब करेंगे। यह आपको मसाज की तरीके बता रहा हूँ, और हम हथेली को रब कर लेंगे, गर्म कर लेंगे। उसके बाद आपको वही, उसमें हम प्रेशर पॉइंट को दबा रहे थे, इसको कैसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, हथेली को रिलैक्स करेंगे और अंगूठे की सहायता से उसको ऐसे रिलैक्स करते चले जाएंगे। यहाँ पे रिंगिंग रिंगिंग बनाएंगे, ये हमारा है दूसरा तरीका। इसी तरह आप यहाँ पे भी ऑयल लगाएंगे, आप ऑयल लगा देंगे, उसके बाद अपने अंगूठे को यहाँ से रखेंगे और इसको ऐसे इसकी पूरी हड्डी के ऊपर आपको प्रेशर देते हुए अंगूठे से रिंगिंग बनानी है, ऐसे करते रहेंगे। इसी के साथ आप इसको लगातार करते रहेंगे। आप इसका ध्यान रखिएगा, जब भी आप ये करें तो आपका पेट खाली हो, उस दौरान आपको ये ज़्यादा बेनिफिट देंगे। हमारा जो तीसरा जो पॉइंट है वो होता है हमारे पेट के, जो यहाँ पे हमारा जो, जहाँ से पेट स्टार्ट, पेट जो स्टार्ट होता है, हमारी छाती ख़त्म होती है और वहाँ से हमारा पेट स्टार्ट होता है, इस वाले पोर्शन को हम ऐसे दबाएंगे। ये देख रहे हैं आप, मेरी यहाँ पे हड्डी है और इसके बिल्कुल नीचे दबा रहा हूँ जहाँ से मेरा पेट स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पे ऐसे प्रेशर दबाते दबाते जाएंगे। ये हमारा हुआ तीसरा पॉइंट। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ जो लास्ट पॉइंट है, ये है गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडिनियल अल्सर के तरफ से। जब भी आप किसी को मुँह में अल्सर हो जाता है, मुँह में छाले हो जाते हैं, तो उस दौरान आपको करना क्या है, ये वाला पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। आपका ये पॉइंट इस उंगली का, तर्जनी उंगली का ही, इसके इस एरिया को बिल्कुल बीच में बांट देंगे और ये यहाँ पे बनेगा, बिल्कुल यहाँ पे आप देख रहे हैं। इसको हमने करना क्या है, इसको भी हम प्रेस करेंगे ऐसे ऐसे, इसको प्रेस करते रहेंगे। आपको ये लगातार 2 से 4 दिन करना है, उसके बाद ही आपको रिजल्ट प्राप्त होने लगते हैं। ये नहीं कि आज आपने किया और फिर बोले कि सर हमें तो असर हुआ ही नहीं,
प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा, आप इसको रेगुलर कीजिएगा, खाली पेट कीजिएगा, आपको इसका लाभ जरूर होगा। ये प्रक्रिया आपको 20 से 25 बार करनी है और दिन में आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन खाली पेट हो आपका ध्यान रखिएगा, उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।